हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्क। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्लिपकार्ट पे आने वाली अपकमिंग सेल के बारे में। मतलब कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट पे इसी नवंबर के महीने में हम लोगों को कौन कौन सा सेल देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को साथ में बताऊंगा कि आप लोगों को कौन से बैंक का कार्ड से ऑफर मिलने वाला है, मतलब कि कौन से बैंक का कार्ड से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो यहां पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फ्लिपकार्ट सुपर सेवर डे सेल के बारे में। देखिए, ये सेल हर एक महीना का 1 तारीख से हम लोग को देखने को मिलता है और ये 3 तारीख तक चलता है। लेकिन दोस्तों, इस बार ये सेल हम लोग को देखने को नहीं मिला क्योंकि हम लोगों को दिवाली का सेल मिल रहा था फ्लिपकार्ट पे। खैर, इसके बारे में ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं रियलमी डेज सेल के बारे में। शायद इसका आज लास्ट दिन है। इसी रियलमी डेज में आप लोग खरीद सकते हो सारे ही रियलमी का प्रोडक्ट। चाहे आप रियलमी का फोन खरीद सकते हो, रियलमी का आप लोग लैपटॉप खरीद सकते हो, या फिर ईयरबड, या फिर स्मार्ट वॉच, या फिर रियलमी का लैपटॉप, शायद मैंने आप लोगों को बोल दिया। तो दोस्तों, ये सारा प्रोडक्ट आप लोग रियलमी का खरीद सकते हो इसी रियलमी डेज सेल के दौरान काफी सस्ते दाम में। देखिए, रियलमी डेज सेल चालू है। रियलमी डेज सेल में हम लोगों को कोई खास डिस्काउंट नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को बिग बिलियन डे सेल में और दिवाली सेल में जो डिस्काउंट मिल रहा था हम लोगों को रियलमी के प्रोडक्ट पे, आप लोगों को यहां पे सेम डिस्काउंट अभी अवेलेबल है। आज लास्ट दिन है। तो अभी आप लोग खरीदना चाहते हो रियलमी का कोई भी प्रोडक्ट या फिर फोन वगैरह, तो अभी आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। तो यहां पे नेक्स्ट सेल कौन सा देखने को हम लोगों को मिलने वाली है, पोको डे सेल। देखिए, पोको डे सेल हर एक महीना में हम लोगों को ये भी देखने को मिल ही जाता है। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पोको डे सेल में हम लोगों को पोको के फोन में कोई भी खास डिस्काउंट नहीं अवेलेबल मिलता है। और वैसे भी पोको का कितना फोन है इंडिया में, 4 या 5 फोन है, ज्यादातर पोको का फोन नहीं है इंडिया में। तो देखिए, पोको का फोन में आप लोगों को यहाँ पे कोई खास डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। हाँ, लेकिन पोको का X3 प्रो जो मिल सकता है 17,000 रुपए में, इसके अलावा और आप लोगों को यहाँ पे कोई खास डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा सेल आने वाली है, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे नेक्स्ट सेल एप्पल डे सेल आने वाली है। वैसे एप्पल डे सेल में हम लोगों को एप्पल के फोन में ना ज्यादा डिस्काउंट मिलता है ना ज्यादा कम डिस्काउंट मिलता है। लेकिन हाँ, आप लोग ये उम्मीद नहीं करना कि आप लोगों को बिग बिलियन डे सेल वाला या फिर दिवाली सेल वाला डिस्काउंट मिलने वाला है इसी एप्पल डे सेल में एप्पल के प्रोडक्ट पे। आप लोग ऐसा गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। आप लोगों को यहां पे बिल्कुल डिसेंट डिस्काउंट मिलने वाला है इसी एप्पल डे सेल में। और यहाँ पे मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ ओप्पो डे सेल के बारे में। ये तो भैया एकदम घटिया सेल होता है, बेकार सेल होता है। ये फ्लिपकार्ट में यहाँ पे खत्म भी हो चुका है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे गौर किया होगा तो। पोको डे सेल, ओप्पो डे सेल और कौन सा एप्पल डे सेल और रियलमी डे सेल, यहाँ पे रियलमी डे सेल में आप लोगों को जरूर बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम लोगों को सारे फोन में कब डिस्काउंट मिलने वाला है। आपने तो बताया पोको डे सेल, ओप्पो डे सेल और पता नहीं कौन कौन सा सेल। तो देखिए, फ्लिपकार्ट पे हम लोगों को स्मार्टफोन कार्निवल सेल देखने को मिल सकती है इसी नवंबर के महीने में। तो ये जो फ्लिपकार्ट पे स्मार्टफोन कार्निवल सेल आती है, तो इसमें हम लोगों को कोई भी खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं मिलता है। आप लोगों को इसमें सारे ही फोन में डिस्काउंट तो अवेलेबल मिलेगा, लेकिन आप लोग ऐसा मान के चल सकते हो कि इसमें आप लोगों को ना के बराबर डिस्काउंट ही मिलता है हर बार। हाँ, अगर लेकिन मोबाइल बोनंजा सेल आता है तो इसका ज़्यादा आने का उम्मीद है मोबाइल बोनंजा सेल के बारे में, जो कि लीक्स अभी आ रही है कि फ्लिपकार्ट पे हम लोगों को नवंबर के महीने में मोबाइल बोनंजा सेल देखने को मिलने वाली है। अगर ये मोबाइल बोनंजा सेल आता है तो इसमें हम लोगों को सारे फ़ोन में डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये जो मोबाइल बोनंजा सेल होता है, ये स्मार्टफोन कार्निवल सेल से मतलब कई गुना ज़्यादा बेटर होता है। तो देखिए, आप लोगों को सारे फ़ोन में डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग वेट कर सकते हो मोबाइल बोनंजा सेल के। वहीं दोस्तों, मैं नेक्स्ट सेल के बारे में बात करूं तो फ्लिपकार्ट पे हम लोगों को नवंबर के महीने में बिग सेविंग डे सेल के नाम पे एक सेल देखने को मिल सकती है। ये हर एक मंथ या हर एक 2 मंथ में हम लोगों को जरूर देखने को मिलती है फ्लिपकार्ट पे। तो दोस्तों, इस बार ऐसा रूमर आ रहा है कि फ्लिपकार्ट पे हम लोगों को नवंबर के महीने में बिग सेविंग डे देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों मैं कंपेयर करूं मोबाइल बोनंजा सेल से या फिर स्मार्टफोन कार्निवल सेल से, तो इससे ये कई गुना ज्यादा बेटर सेल होती है अगर बिग सेविंग डे सेल आता है।
है तो इसमें आप लोगों को मोबाइल फोन पे तो डिस्काउंट अवेलेबल मिलेगा ही, साथ में आप लोगों को सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा और सारे ही प्रोडक्ट पे आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को 2-500 डिस्काउंट मिलने वाला है, आप लोगों को यहाँ पे 1,000-2,000 और कई कई फोन में आप लोगों को 3,000-4,000 का डिस्काउंट भी अवेलेबल मिलने वाला है। तो दोस्तों अब मैं लास्ट में आ जाता हूँ कि आप लोगों को ये सारे सेल में कौन से बैंक का कार्ड से ऑफर मिलने वाला है। तो सबसे पहला आता है ICICI बैंक का कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर HDFC बैंक, या फिर एक्सिस बैंक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा उम्मीद ये है कि हम लोगों को इस बार HDFC का कार्ड से 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर दोस्तों ये सारे सेल में आप लोगों को HDFC बैंक का कार्ड से डिस्काउंट अवेलेबल नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप लोगों को ICICI बैंक का या फिर एक्सिस बैंक का कार्ड से डिस्काउंट अवेलेबल मिलने वाला है इसी सारे सेल में। लेकिन दोस्तों जैसा कि उम्मीद है कि HDFC का कार्ड से ही आप लोगों को यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी बैंक का कार्ड से अगर डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा तो यहाँ पे आप लोग ऐसा उम्मीद मत करना कि आप लोगों को यहाँ पे डेबिट कार्ड से डिस्काउंट मिले। अगर डेबिट कार्ड से डिस्काउंट मिलता है ICICI बैंक का कार्ड से, या फिर HDFC का कार्ड से, या फिर एक्सिस का कार्ड से, तो यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम जो है 500 का ही डिस्काउंट अवेलेबल मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आप लोग क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट को पा सकते हो। अगर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम 1,000 या 1,250 का तो आप लोगों को यहाँ पे पक्का डिस्काउंट मिलने वाला है, ये आप लोग एकदम कन्फर्म मान के चल सकते हो। लेकिन डेबिट कार्ड से डिस्काउंट मिलेगा या फिर डेबिट कार्ड से डिस्काउंट अवेलेबल नहीं मिलेगा ये कन्फर्म मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। वैसे डेबिट कार्ड से आप लोगों को मैक्सिमम 500 का ही डिस्काउंट मिल सकता है। वैसे दिवाली सेल में हम लोगों को मात्र 500 का ही डिस्काउंट अवेलेबल मिल रहा था SBI का कार्ड से, तो आप लोग ज्यादा कुछ उम्मीद यहां पे नहीं करना। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सेल के रिलेटेड पूरी जानकारी दे दी। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।